क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा है किसी कारखाने ने क्रमशः 18, 45 और 27 टन के तीन अलग अलग प्रकार के कास्टिंग कैरेजेस प्राप्त किए, कितने बनाने हैं आपको, बनाने हैं 18, बनाने हैं 45, बनाने हैं और 27 टन बनाने हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का 10% क्या जाता है, आपके बेकार हो जाता है। देखो ध्यान दो, इसने कहा है बनाना है आपको 18, 45 और 27 बनाना है, और हर बार जब भी बनाते हो 10% क्या चला जाता है, तो आपको ऑर्डर कितना है, आपको ऑर्डर तो मिला है 18 का, तो 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब आप जो भी चीज बनाते हो 10% क्या चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। तो मतलब जो भी जैसे आपने बनाया, अगर 10 बनाया है तो कितने चली जाएगी, एक वेस्ट चली जाएगी, 20 बनाया तो दो वेस्ट चली जाएगी, मतलब कितनी बनेगी आप 18, तो माने हमें कितना बनाना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें तो हमने आसान से निकाल लिया कि अगर मैं 10 बनाऊंगा तो 10% एक वेस्ट चल जाएगा और 9 बनेगी, तो मुझे ऑर्डर कितना मिला है, मुझे ऑर्डर मिला है 18 का, तो 20 बनाऊंगा तो 2 चली जाएगी खराब, पीछे कितनी बचेगी आपके 18 बच जाएगी, फिर 30 के लिए 27, तो ये आप यहाँ काम आ जाएगा, मैं 30 बनाऊंगा 27 आ जाएगी, मतलब बाकी वेस्ट चल जाएगी। ऑर्डर तो कितने का है, ऑर्डर 27 का है, तो हमें तो 27 देनी है, 3 वेस्ट जाएगी तो हमारी जाएगी वेस्ट, हमें कितनी बना के देनी है, 27 बना के देनी है, फिर ऐसे हम 4 बनाएंगे फिर कितने हम 45 है, तो ऐसे हम लोग 30 बनाएंगे तो 3 वेस्ट है, 4 40 बनाए तो 4 वेस्ट है, 50 बने तो 5 वेस्ट है, तो हमने 50 बनाई तो 5 पे क्या चले वेस्ट है, हमें कितनी मिलेगी 45 मिलेगी, बताओ 10 चलेंगे आपके वेस्टेज में, 10% वेस्टेज है, मतलब ये कितना है, ये है आपके 90 है, मतलब आप जो भी बनाएंगे 90 बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। क्या करेंगे पहले हम इससे ये कैसे बनाए, क्या करेंगे 18 है वो वेस्टेज के बाद का है, मतलब आपको 18 देनी है तो वो 90% ही बनेगा आपके, क्योंकि 10% हर बार आपके खराब हो जाता है, बनाते हैं तो चीजें खराब होती है, तो क्या करेंगे हम 90 × 100 करेंगे, कि ये अगर मुझे 90 है, अगर 90% लाना है तो मतलब 100 कितना, हमें कितना बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा कितना आपको 20 बनाना पड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट 45 बटा कितना 90 × 100, ये 90 है क्योंकि 10% पर वेस्ट चल जाता है, तो 100 कितना होगा, हमें बनाना पड़ेगा 50 बनाएंगे 10% खराब हो जाएगा, 5 वेस्ट चला जाएगा और हमें कितनी मिल जाएगी 45 मिल जाएगी, हम उसको दे सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है इसमें 27/90 × 100, मतलब ऑर्डर तो मिला है 27 का, हम कितनी बनाएंगे 30 बनाएंगे, जिसमें से 3 खराब होगी ही, क्योंकि इसने कहा है कि 10 बेकार चली जाती है, इसका मतलब 10% बेकार चली जाती है, 100 के पीछे 10 तो 50 कितनी जाएगी आपके 5 चली जाएगी, तो हमें बनानी पड़ेगी 50, ताकि 5 खराब होने के बावजूद भी ग्राहक जो भी मांग रहा है उसको हम कितनी दे सके, उसको हम 45 दे सके, 45 देने के लिए हमें कितनी बनानी पड़ेगी, हमें 50 बनानी पड़ेगी, तो ये पहले हम बनाएंगे, तो इस पर क्या करेंगे हम वेस्टेज घटा देंगे, वेस्टेज का किसका वेस्टेज होता है, मटेरियल का वेस्टेज होता है, सबसे ऊपर आएगा नंबर 1 वेस्टेज। आगे क्या देखा है, जो सही माल के रूप में सामग्री लागत के 20% पर बेचा जाता है, भले आइटम खराब हो गया लेकिन फिर भी कितना बेचेंगे हम, जितने में सामग्री बेच रहे हैं उसके 20% वैल्यू पर हम क्या बेचेंगे, ये सेलर स्क्रैप बेचेंगे, माल हमें कुछ नहीं बनाया उसमें, माल प्लास्टिक खराब हो गया तो प्लास्टिक का वापस भाव मिलेगा आपको, या हमें कोई भी चीज बनाई खराब हुई लेकिन उसकी भी किसी न किसी की जरूरत है, जब वो ले जाएगा तो कितना देगा पैसा, जितना ओरिजिनल चीजें देता है, मान लो हमें कुछ ही बनाई कुछ 500 रुपए की है, तो वो कितना देगा 20% वैल्यू देगा, मान लो 100 रुपए देगा, मतलब कुछ ही देते तो पूरे कितना आते हैं आपके 500 आते, लेकिन कुछ ही नहीं दे रहे तो कितना आ जाएगा उसका 20% आएगा, मतलब जितना वैल्यू है उसका 20% वैल्यू ही आएगा आपके, तो अगर जब मान लो स्क्रैप का वैल्यू क्या देते, मतलब स्क्रैप कितना हुआ, हमें बनाई है 20 मिलेगी कितनी आपको 18 मिलेगी, तो 2 क्या चलेगी आपके वेस्टेज या स्क्रैप चला गया, ये लीजिएगा आपके स्क्रैप, फिर 50 में तो 45 मिलेगी आपको तो 5 स्क्रैप हो जाएगी, 30 में 27 कितना हो जाएगा 3 आज क्या हो जाएगी आपके स्क्रैप हो जाएगी, और स्क्रैप का बाद पैसा मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, मटेरियल का 20% मिलेगा, जितना मटेरियल है, मटेरियल है कितना, मटेरियल की रेट कितनी दे रखी है आपको 250 रुपए टन दे रखा है, तो 250 का 20% कितना होता है 25 × 2 = 50 रुपए, ये सब 50 रुपए टन के हिसाब से बेच देंगे, और ये क्या लेस हो जाएगा, क्योंकि बेचेंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे हमारे पास,
तो ये हम क्या करते हैं उसमें से माइनस किस में करेंगे, माइनस मटेरियल में, जो गैर मटेरियल की ले रहे हैं, और ये मटेरियल ही है जो जो बनाते समय खराब होता है। अब आगे दे रखा है श्रम भुगतान, दे रखा है 4000, 10500 और 5500, तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग दे रखा है। उसी प्रकार तीनों साथियों की लागत भी दे रखी है, 400, 500 और कितना दे रखा है आपके 300, 400, 500 का जोड़ है आपने 300 दिया हुआ। इसने कहा यदि कारखाना उपयोग कितना है 40% है, कितना श्रम का, देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये क्या हो गया है आपके थर्ड हो गए। सबसे पहले नंबर वन क्या है बताओ, मटेरियल, बताओ मटेरियल का रेट क्या है, मटेरियल का रेट दे रखा है आपके 250 रुपए, और कितना लेंगे बताओ, 18-27 लेंगे या ये लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि हमने कितना मटेरियल परचेज किया 20, 50 और 30 बनाएंगे, उसमें से आपके स्क्रैप चला जाएगा, तो हम ये लेंगे, कितना लेंगे हम इसका, तो है आपके 20 टन पहले फर्स्ट का और सेकंड का और एक थर्ड का, 20 टन लेंगे क्या भाव से, 250 का भाव है, फिर आपके क्या नाम है 27 टन लेंगे हम 250 के भाव से, तो 45 है 50, और फिर 30 लेंगे 250 के भाव, कितना होता है 25 × 2 = 50, मतलब 5000 रुपये, 25 × 5 = 125, मतलब 12500, 25 × 75 = 7500। इसमें हम लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे हम, स्क्रैप वैल्यू, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू, अब माइनस हो गया क्योंकि स्क्रैप है, रिमेचिंग के पैसे आएंगे, मटेरियल खरीदने से पैसे जाते हैं, दोनों में फर्क है, ये सेल कर रहे हैं मटेरियल ला रहे हैं, अब कितने कितना वैल्यू है 2, 5, 3, ये हो गया है आपके 2, 5 और 3, क्या रेट से है 50 रुपये के भाव से, 5 × 2 या तो ये 100 रुपये, 50 × 5 = 250, 50 × 3 = 150, ये स्क्रैप घटा दो, ये आ जाएगा आपके 4900, ये आ जाएगा 12250, ये हो जाएगा 7350। अब इसमें आइडिया आएंगे हम वेजेज, तो वेजेज कितने रहेंगे, मजदूरी, मजदूरी दे रही है 4000, 10500 और 5000, 4000, 10500 और 5500। आगे दे रही है सांचों की लागत, सांचे कब काम आते हैं, बैंक को पहले ही काम आते हैं, फैक्ट्री करते नहीं है, सांचे क्या होते हैं जिसमें कोई आकृति बनानी है, सांचे होते हैं जैसे ईंट बनाने की सांचा होता है जिसमें ईंट बनाते हैं, तो वो आपके फैक्ट्री में काम आता है, आपके कच्चे माल में काम आता है, तो ये भी आपके विजय के साथ आएगा, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल, ये दे रखा है 400, 500, 300, इन तीनों को मिलाकर बनेगी आपके प्राइम कॉस्ट, जोड़ो सबको 4, 4, 8 और 1 = 9300, 10 और 12 = 22, 22, 23, 23,250, 7, 5, 12, 13, 13,150। इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री के खर्चे, और कितने हैं ये दे रखे हैं आपके श्रम भुगतान का 40%, मतलब के 40% ऑफ वेजेस, 4×4 = 1600 रुपये, इसका 40% 10 का होता है 4500 होता है 200 रुपये, 4200, और इसका कितना होता है 20 और 2 = 2200 रुपये, ये आ जाएगी आपके फैक्ट्री कोस्ट, ऐड करो 10,900, 23 आ गया तो 27,450, ये कितना हुआ 15,350। अब ये तो भाई कंप्लीट कोस्ट, तो आगे खर्चे नहीं दे रखे, अब इसने पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कास्टिंग की प्रति टन लागत ज्ञात करो, प्रति टन ज्ञात करना है, तो भाग दो, इसमें क्या भाग दो
ये कितना बना हमारे पास, ये बना है हम तो, हमें कितना मिला, हम तो 5 माइनस कर दी, 2 3 2 5 3, तो ये था 20, 2 माइनस कितने बचे आपके 18, ये कितने थे 45, और ये कितने बने 27, हमें ये मिले, खर्चा हो गया इतना, हमें तो ये मिले, बाकी 2 ऐसे चले गए, बाहर 2 और ऐड कर कितना होता है 605.56। ये हमने एडजस्ट कर दिया है, ये था जो भी रेट था 20 में से 2 गए, 50 में से 5 गए, 30 में 3 गए, इससे कितना होता है, ये देर का है 610 आता है, हां सर, और उसका आता है आपके 568.52, भाग करके देख लो वही आएगा।